स्वतंत्रता की वीर कहानी। बांग्लादेश का शेर चला जब साफा बांध पठानी, भारत के संतान सुनो नेता की वीर कहानी। जानकी नाथ नाम पिता प्रभाव दे थे माये, बांग्लादेश में युग जावा तब नाम सुभाष धराये। विद्या पाई कलकत्ते में पढ़ने गया विलायत, आईसीएस में पास हुआ फिर लौटा वापस भारत। पर आजादी के दीवाने पोना गुलामी पाई, तब स्वतंत्रता आंदोलन में उसने हाथ बटाई। बापू का प्यारा बेटा, प्यारा बेटा कई बार जेल हो आया, झूल कर उसने राष्ट्रपति का सच्चा गौरव पाई, सच्चा गौरव पाया। रुम बता कर उसने भारत को आजाद कराने की थी कहानी, भारत के संतान सुनो नेता की वीर कहानी। सन 1941 था 5 जनवरी भाई, 1:25 पर निकला वो सौदाई। बर्लिन में एक फौज खड़ा कर बर्मा कदम बढ़ाया, 2 जुलाई 1943 सिंगापुर में आया। आकर आजादी की उसने ऐसी पिकल बजाई, दिया देश को नया संदेशा आजादी की वाणी। भारत के संतान सुनो नेता की वीर कहानी। सन 43 का बर्मा जापानियों के कब्जे में, जंग के शुरू होते ही बहुत से हिंदुस्तानी यहाँ से चले गए। जो लोग हैं उन्हीं को लेकर है ये कहानी। पेगु शहर में डॉक्टर विजय कुमार और मिस्टर चौधरी के मकान पास पास थे। एक सुबह डॉक्टर विजय कुमार मरीज देखकर लौट रहे थे। कहाँ चले? कहीं नहीं पिताजी, जल्दी वापस आना। जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आया कहाँ है? साहब के कमरे में। लीजिए पिताजी, 10 बज गए, गर्म दूध पीजिए। गर्म दूध? इससे पहले क्या था? फलों का रस। फलों का रस, और इसके बाद क्या होगा? रोटी और सूप। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो बेटी, सोचता हूँ तुम न होती तो भला मेरी क्या दशा होती। और क्या होता पिताजी, अब बीमारी ना होती। आज घूमने नहीं जाइएगा? नहीं बेटी, तबीयत कुछ सुस्त है, बुखार सा मालूम होता है, और फिर बाहर ठंडी हवा भी तो चल रही है। देखिए पिताजी, बुखार तो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और बाहर ठंडी हवा भी नहीं चल रही है। जाइए घुमाइए, इस वक्त अपने बगीचे में सरास भी घूमे कि बस तबीयत ठीक हो। क्या गिरा भाई? कुछ नहीं पिताजी, शायद ऊपर से किसी पंछी ने कुछ गिराया। पंछी? हाँ पिताजी, एक कबूतर अक्सर यहाँ आया करता है। कबूतर? देखो बेटा, उसे यहाँ मत घुसने देना, कहीं घर बना लिया तो। हाँ पिताजी, मुझे भी यही शक होता है कि वो घर ही बनाना चाहता है। अच्छा, मैं माली से कह देती हूँ कि जरा ख्याल रखे। अरे तो इतनी जल्दी काहे की है, फिर कह देना। हाँ बेटा, वो स्वामी जी की जीवन कथा है ना, उसे जरा पढ़कर सुना तो बेटी। जी तेरा। ये लीजिए, सब चौपट कर दिया। क्या हुआ? आपके नए माली ने गुलाब के पौधों का सत्यानाश कर दिया। क्या सर, चलो तो जरा देखो। नहीं नहीं पिताजी, बहुत ठंडी हवा चल रही है, हवा लग गई तो बस तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। मैं खुद जाकर माली से कह देती हूँ। माली, ओ माली, अरे वो क्या कहा? जी बीवी जी। गुलाब
के पौधे क्या इसी तरह काटे जाते हैं? तुझे कुछ नहीं आता, आज ही पिताजी से कहकर तुझे निकलवा दूंगी। काश कि तुम्हारा मालिक। क्यों? हर वक्त तुम्हें देखा कर। छोड़ो ये सब फिजूल की बात, कोई ऐसा भी करता है? क्यों, क्या किया मैंने? कोई इस तरह कागज का गोला फेंकता है? ओ, कागज का गोला ही तो था, तोप का गोला तो नहीं था। तुम बड़े वो हो, अगर पिताजी को मालूम हो जाता तो। अच्छा ही होता। अच्छा, तो हिम्मत बढ़ गई है आपकी, फिर अंदर आइए ना। नहीं किशोर, तुमसे जरूरी राय लेने के लिए आया। मजाक छोड़ो, मेरी बात ध्यान देकर। यहाँ खड़े खड़े काम नहीं चलेगा, आओ मेरे साथ। अच्छा, तो मैं इस अदालत की कुर्सी पर बैठती हूँ, तुम अपनी अर्जी पेश करो। बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं। ये तो मैं देख ही रही, अब ये तो बताओ कि मुश्किल क्या है? मुमकिन है मैं कुछ आसान कर सकूँ। पिताजी कहते हैं यहाँ कब तक बैठे रहो, रंगून जाकर लिखाई शुरू करो। ठीक ही तो कहा है उन्होंने। तुम भी यही कहती हो? जानती हो इन दोनों रंगून की क्या हालत है? सड़कों और बाजारों में झगड़े फसाद, मार काट और इस पर एयर रेड। तब तो जाना किस मुनासिब में, चाचा जी को समझा बुझा कर कहो। यही तो मुश्किल, उनसे कहते हुए डर मालूम होता है और तुम कहती हो कि समझा बुझा कर कहो। भाई मानती हूँ कि खीर है जरा चिल्ली। अच्छा, अगर तुम अपने पिताजी से कहो और तुम्हारे पिताजी अगर मेरे पिताजी से कहें तब कैसा? ओह, तुम भी अजीब हो, शर्म ना आएगी मुझे ये सब कहते हुए। तुम ही कहो ना पिताजी से। मैं? क्यों, हिम्मत नहीं पड़ती? तुम्हारे पिताजी से कहने? चलो अभी चल के कहते। आओ। जी हाँ, मैंने कई मर्तबा कहा कि अगर एक साल पढ़ाई नहीं होगी तो फिर खास अर्ज नहीं होगा। आखिर पढ़ाई जान से प्यारी थोड़ी ही होती, जहाँ झगड़े फसाद हों, मार काट हो रही हो, वहां जाना क्या मुनासिब? मेरा ख्याल है कि अगर आप ही समझा बुझा कर उनसे कुछ कहें तो। बस बस ये रहने दो, चलो ये पाठ चलकर पिताजी के सामने अदा करो, वो बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? अच्छा चलो चलो। आओ कुमार आओ। अरे भाई, ये नई सभ्यता के तरीके तुमने कब से सीख लिए? खुद तो बाहर खड़े रहे और लता से खबर भिजवाई, आखिर ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। जी हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। ये भी खूब रही। अरे भाई, दिन के 10 बजे भी कोई सोने का वक्त होता है? हाँ कहो, क्या बात है? जी जी कुछ तो नहीं। अरे वाह, तुमने तो कहा था पिताजी से कुछ कहना है। हाँ हाँ, तो कहो ना। जी कोई खास बात नहीं। अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना था ना तुम्हें? ओ, विजय ने कुछ कहला भेजा है क्या? जी नहीं। जी हाँ, जी हाँ, बात यह है कि पिताजी ने पूछने के लिए भेजा है कि आपकी तबीयत कैसी है। ओ, अरे भाई तबीयत आजकल कुछ खराब ही रहती है, तो तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। जी जी नहीं, अब इजाजत दीजिए, पिताजी ने जल्दी बुलाया। विजय घर में है? जी हाँ। वाह, इतने रिहर्सल किए और स्टेज पर जाते ही सब। मैं क्या कर? उधर उनका सामना हुआ, इधर होश उड़ गए। खैर, जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे चले जाने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। अच्छा, शाम को आकर कहूँ। कुमार, तुम रंगून कब जाओगे? जी जी, रंगून की हालत जानने के लिए मैंने भी तुम्हारे मामा को लिखा था, आज ही उनका तार मिला है। लिखा है कॉलेज खुले 3 हफ्ते हो गए, शहर भर में अमन चैन है, कुमार को फौरन भेजो। जाने के लिए तैयार हो जाओ।
पिताजी, हमारे नए गुलाब के पौधे में कितने अच्छे फूल आए हैं। देखो देखो बेटी, वाकई बड़े खूबसूरत फूल है। अरे हाँ, वो नया माली जो रखा है वो ठीक से काम तो कर रहा है ना? ठीक ही कहना चाहिए पिताजी। आज तो अच्छे खासे तंदुरुस्त नजर आ रहा है। आओ भी आओ आप। अब तबीयत कैसी है? क्या कहूँ भैया, तंदुरुस्ती जवाब दे बैठी है। अब उम्र भी तो काफी हो चुकी है, शरीर बिचारे का दोषी क्या? उम्र का संबंध शरीर से नहीं, मन से होता है। जानता हूँ, फिर भी मैं इस बात को अच्छी तरह महसूस करता हूँ भैया, कि ये टूटी हुई नाव अब किनारे नहीं लग सकती। खैर, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं, चिंता है तो सिर्फ लता से। क्यों? सोचता हूँ मरने से पहले अपना फर्ज किस तरह अदा करूँ। कौन सा फर्ज? विजय भैया, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, और फिर जब वो सयानी हो जाती है तो उसे दूसरे के घर भेजने का बंदोबस्त भी कर देता है। ठीक है, कोई अच्छा सा घर देखकर शादी कर दो। लता की स्वर्गीय माता की इच्छा थी कि लता के साथ कुमार ही की शादी की जाए, और फिर तुम्हारे घर से अच्छा और कौन सा घर है भाई चौधरी? बात यह है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी हालत तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। अंग्रेजों की हुकूमत गई, जापानियों की आई, इसके बाद न जाने क्या हो, और अभी कुमार की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, इसलिए मैं अभी उसकी शादी नहीं करना चाहता। अरे भाई, शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। शादी के बाद भी पढ़ाई, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर मैं यूं कहूँ कि शादी नहीं तो सगाई हो जाए, और फिर जब तुम कहोगे उस वक्त शादी भी हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद शादी का तकाजा भी शुरू कर दो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर बात पक्की? हाँ हाँ, बात पक्की। रंगीन बहारे हैं मस्ती भरी फिजाएं, रंगीन बहारे हैं मस्ती भरी फिजाएं। ये तो मधुघोष बनाता है मुझे
किसको फसाना, अफसाना नहीं है ये मेरी जिंदगी का साथ, अफसाना नहीं है ये मेरी जिंदगी का साथ, दुनिया से दूर हमको बसाना है ये संसार। रहते हैं सुहाने खिले फूलों की चांदनी, फूलों की चांदनी, रहते हैं सुहाने खिले फूलों की चांदनी, फूलों की चांदनी, बजती हो मस्त झूम के लहरों की रागिनी, लहरों की रागिनी, प्रेम की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में, उस प्रेम की दुनिया में उम्मीदों की झलक हो, ओ, 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 ओ। खामोश निगाहों में मोहब्बत की चमक हो, बेदर्द जमाने की वो बातें ना सताए, बेदर्द जमाने की वो बातें ना सताए, तारों के रोशनी में हम एक दुनिया बसाए, तारों के रोशनी में हम एक दुनिया बसाए, तारों की रोशनी में दुनिया नहीं बसाए, तारों की रोशनी में। लता, लता मैं तुम्हें एक अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। क्यों, कोई खास जरूरत है? तुम नहीं समझते, कवियों ने खूबसूरती के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी, लेकिन इन नन्ही और नाजुक उंगलियों के बारे में कुछ नहीं लिखा। कितने ही खामोश इशारे, प्यार और मोहब्बत की कितनी ही अनोखी अदाएं अदा होती हैं इन प्यारी प्यारी में। मैंने तुम्हारा हाथ पा जैसे सब कुछ पा लिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात इस सुनहरी अंगूठी के रूप में तुम्हारी उंगलियों को हमेशा घेरे। लेकिन कुमार, अगर ये अंगूठी किसी दिन खो गई तो तुम मुझे भूल तो ना जाओगे? फिर वही बात, दोबारा ऐसी मजबूत बात जबान पे लाई तो बस। अरे आओ भाई, मुझे आओ। अरे भाई चौधरी, एक बहुत उमदा खबर है। ये खबर मेरे और तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूर्वी एशिया में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए, खुसूसन आजाद की फौज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे भाई, आजाद की फौज के बारे में तो कुछ कहो ही नहीं, वो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस की बातें भूल गए क्या? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े रेजोल्यूशन, दरअसल हमारे यहाँ अगर कमी है तो सिर्फ एक नेता। यही बात तो मैं भी कहने के लिए आया। तुमने सुभाष बाबू का नाम तो सुना होगा? हाँ हाँ, सुना क्यों, खूब सुना है, लेकिन क्यों? आजाद फौज का चार लेने के लिए कल वो सिंगापुर आ रहे हैं। अजी ये सब झूठी खबरें हैं, और नहीं तो फिर मुमकिन है जापानियों का प्रोपेगेंडा ही हो। नहीं नहीं, ये झूठी खबर नहीं, ये पैम्फलेट मेरा एक मरीज लाया है, ये फोटो सुभाष बाबू ही का है, मैंने उन्हें कलकत्ते में कई मरतबा देखा है। ये देखो, नीचे साफ लिखा है 2 जुलाई को सिंगापुर पहुंच रहे हैं। I resign my office and appoint Biswas Subhas Chandra Bose as President of the Indian Independence League.
and I am confident that under his leadership, you will march on to battle and to victory. And of course, जंगे आजादी की नुमाइंदों बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंगे आजादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज पूर्वी एशिया गोया फिर से जाग उठा। हमें एक ऐसे ही नेता की जरूरत थी। जी पिताजी। कुमार जी, आज एक नई खबर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब? मतलब ये कि सुभाष बाबू ने तमाम हिंदुस्तानियों को बुलाया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका है जबकि हिंदुस्तान को बाहर से हथियारबंद फौज से आजाद कराया जाएगा। लेकिन पिताजी, पूर्वी एशिया के मुट्ठी भर हिंदुस्तानी जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, कहाँ इनकी ताकत और कहाँ इसके मुकाबले में इतनी बड़ी सल्तनत। वक्त से फायदा उठाना इंसानी अकलमंदी की पहली दलील है। आज इस जंग की तेज आंधी के सामने बरतानवी साम्राज्य की पुरानी दीवारें जो हिंदुस्तानियों के खून और हड्डियों से चुनी गई हैं, हिंदुस्तानियों के एक मामूली सी ठोकर से पुरानी दीवार की तरह हमेशा के लिए चूर चूर हो जाएंगी। अगर हिंदुस्तानी इस वक्त भी हिंदुस्तान को आजाद न करा सके तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगर ये सब बातें समझौते से तय हो जाए तो खूनरेजी की नौबत ही क्यों आए? समझौता, कंप्रोमाइज, कभी दुश्मन से भी समझौता हुआ है? कैसी बुरी बातें कर रहे हो तुम? मगर वो लोग तो दुनिया के सामने पुकार पुकार कर कहते हैं कि वो हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे और वादा भी करते हैं। वादा? मैं कहां तक इनके वादों को गिनाऊं? इन्होंने अपना वादा पूरा किया 1857 में, इन्होंने अपना वादा पूरा किया जलियांवाले बाग में, इन्होंने अपना वादा पूरा किया बंगाल के कहत में, जहां 30 लाख हिंदुस्तानी एक एक दाने को तरस तरस कर मर गए। और आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जैसी हस्तियों को जेलों में ठूंस कर अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ये हैं उनके वादे। तो हम कर ही क्या सकते हैं? दुनिया के बखेड़ों में पड़ने की हमें जरूरत ही क्या है? वक्त आया, चंदा बंदा दे देंगे। चंदा? हाँ कुमार, देश को सिर्फ इस वक्त तुम्हारे चंदे की जरूरत नहीं, आजादी की देवी भेंट मांगती है। मुल्क को इस वक्त तुम जैसे नौजवानों के खून की जरूरत है। पिताजी, पिताजी ये कहाँ का इंसाफ है कि जिस मुल्क में पैदा नहीं हुआ, जिस मुल्क को मैंने देखा तक नहीं, उस मुल्क के लिए मैं क्यों अपना खून बहाऊं? कुमार, ये किसकी तस्वीर है? क्यों, मेरी माँ की। तुमने अपनी माँ को देखा है? जी नहीं, सुना है कि मेरे पैदा होने के 6 घंटे बाद ही स्वर्ग से भाग। इन्हें भी तुमने नहीं देखा, फिर भी तो इन्हें माँ कहते हो। इनकार भी करोगे? क्यों? डरपोक हो डरपोक। इसके अलावा उधर चौधरी साहब की लड़की देश को सब तुम्हारे चंदे की जरूरत नहीं, आजादी की देवी भूत मांगती। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे चले जाने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। डरपोक हो डरपोक। मुल्क को इस वक्त तुम जैसे नौजवानों के खून की जरूरत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 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 पिताजी,
मैंने आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का फैसला कर लिया। कुमार बेटा, मैं यही तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। शाबाश बेटे, शाबाश। ये तुम क्या कह रहे हो कुमार? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा। तुम अपनी मर्जी से कह रहे हो? पिताजी की भी यही मर्जी। भाई वाह, अभी तो उस दिन विजय ने शादी की बातचीत की और अब तुम ये कह रहे हो। देखो भाई, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता। मैं अभी जाता हूँ विजय के पास। तुम भी उदास हो गई लता। तो क्या तुम मुझसे किसी और बात की उम्मीद रखते थे? ये तो नहीं मालूम लता, लेकिन सोचा था शायद इस काम में तुम मेरी हिम्मत बढ़ाओगी। मैं दुनिया से निराला थोड़ी ही कुछ करने जा रहा हूँ। यहाँ के सभी हिंदुस्तानी आजाद हिंद फौज में शामिल हो रहे हैं। तो क्या वो प्रेम की बात है? वो पौधे सब छूटे थे? झूठे न थे, ना है ना हो, मगर मैंने वक्त की पुकार को सुनकर जो फैसला किया उसे ठीक समझा। ये तुमने क्या किया? शादी की बात ठीक तय करके अब तुम कुमार को लड़ाई में भेज रहे हो? एक बाप का फर्ज पूरा कर रहा हूँ। वाह, अच्छा फर्ज पूरा कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि आग का काम जलाना है, फिर भी अपने लड़के को उसी आग में झोंके दे रहे हो। इन्हीं कमजोरियों से तो हिंदुस्तान आज 200 साल से गुलाम है। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो समझने की कोशिश करो विजय। कुमार तुम्हारे अंधेरे घर का एक ही चिराग है, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, तुम्हारे कुल की एक ही निशानी है और तुम उसे इस तरह मिटाना चाहते हो। मुझे यही तो अफसोस है कि मेरा एक ही कुमार है, अगर आज 10 होते उन्हें भी भेज देता। मालूम होता है तुम्हारे सीने में बाप का दिल ही नहीं। दोस्त, मैं क्यों कर अपने कलेजे को चीर कर दिखलाऊं कि मेरे सीने में बाप का दिल है या नहीं, मगर वक्त ऐसा आ पड़ा है कि मैं बेटे की मोहब्बत को फर्ज पर से कुर्बान कर देना ही मुनासिब समझता हूँ, ताकि आने वाले हिंदुस्तान के इतिहास में यह ना लिखा जाए कि विजय अपने बेटे की मोहब्बत में पढ़कर अपने फर्ज को भूल गया। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या उम्र है? 22। तीन नंबर कैंप। क्या उम्र है? 24। चार नंबर कैंप। क्या उम्र है? 25 साल। दो नंबर कैंप। क्या उम्र है? 20। अरे कौन? कुमार। अरे फिरोज। मालूम होता है भर्ती होने के लिए आए हो। हाँ, और तुम? मुझे तो ज्वाइन की हुई मुद्दत हो गई, इस वक्त ड्यूटी पर जा रहा हूँ, शाम को मेस में मुलाकात होगी। अच्छा। मैं वहाँ ईस्टर्न बैरिक्स में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चार नंबर कैंप कहाँ है? वो रहा। क्या उम्र है? 11 साल। अभी बच्चों को भर्ती नहीं किया जाएगा। मुझ पर मेहरबानी कीजिए, भर्ती कर लीजिए। अभी नहीं, नेक्स्ट मैन। मुझ पर मेहरबानी कीजिए, अभी नहीं, बच्चों को भर्ती नहीं किया जाएगा। क्या उम्र है? 28 साल। तीन नंबर कैंप। ऐसा करने से उम्र नहीं बढ़ेगी, बच्चों का भी नहीं लिया जाएगा। मैं बच्चा हूँ, मोहल्ले भर के लड़के मुझसे डरते हैं। आप नेताजी से कहकर मुझे भर्ती कर लीजिए, मैं खूब अच्छी तरह लड़ सकूँगा। अच्छा अच्छा, मैं नेताजी से कहूँगा, लेकिन अभी नहीं। भगवान के लिए भर्ती कर लीजिए, मैं बंदूक चला सकता हूँ। नेक्स्ट मैन। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। नेक्स्ट जी। 25 बरस। तीन नंबर कैंप। बात क्या, आप अपने लड़कों को भर्ती? तुम अच्छे एडवांस गार्ड से क्या समझते हो? असल जो अपनी फौज की हिफाजत सामने के दुश्मन से कर सके। कुमार, जो सामने के दुश्मन को हटाकर अपनी फौज की हिफाजत करते हुए चाल को जारी रखे। अबा।
भारत के जानिसार सुनो देश की पुकार, चलना है तुम्हें आज, चलना है तुम्हें आज। आपत कहे न पाप तुम्हें राह दिखाए, आपत कहे तो बात तुम्हें धीर बनाए, अपने लहू का भेंट चढ़ाना है तुम्हें आज, चढ़ाना है तुम्हें आज, चलना है तुम्हें आज, चलना है तुम्हें आज। भारत के जानिसार सुनो देश की पुकार, चलना है हमें आज, चलना है हमें आज। अपने देश पर है खनखोर खटा छाई, दर्द जुल्म पीड़ा तूफान बन के आई, फरियाद कर रही है माँ दे रही दुहाई, लुटे हुए भारत से ये उठ रही आवाज, आवाज आवाज। आना है तुम्हें आज, छुड़ाना है तुम्हें आज, भारत के जानिसार सुनो देश की पुकार, चलना है हमें आज, चलना है। तुम आन बन के टूटो, भारत के नौजवानों की शान बन के टूटो, आजाद आजाद आजाद। आजाद हिंदियों की रखनी है हमें लाड, आजाद हिंदियों की रखनी है हमें लाड, चलना है हमें आज, चलना है हमें आज। भारत के जानिसार सुनो देश की पुकार, चलना है हमें आज, चलना है। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। लता देखो तो बेटी, कुमार कितना लापरवाह हो गया है, 3 दिन से उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। ये क्या तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ सा मालूम होता है, बीमार तो नहीं हो गई बेटी? जी नहीं। और तुम्हारे पिताजी? वो भी मजे में हैं। आज सुबह तो पूछ रहे थे। उनसे कहना कुछ दिन हुए कुमार की चिट्ठी मिली थी, लिखा था नेताजी अक्सर कैंप में आया करते हैं। ठहरो, मैं पढ़कर सुनाता हूं। पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं, मैं राधी खुशी हूं। नेताजी अक्सर कैंप में आया करते हैं, उन्हें पाकर ऐसा मालूम होता है जैसे हमें नई जिंदगी मिल गई हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी में कोई भेदभाव नहीं, सब अपने आप को सिर्फ हिंदुस्तानी समझते हैं और एक ही लंगर में खाते पीते हैं। क्यों रमेश, आज फिर देर से आए? मालूम होता है कि जनाब लंगर ही के चक्कर काट रहे थे। भाई मैंने खाने पीने के मामले में बोलना छोड़ दिया। हाँ। भैया बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ। अरे यार तू तो हर हंडे की खुशबू सुनता, बताना है शाम को क्या पकेगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। बोल भाई। बोल। आज रात की जानना होगे? अरे बोल यार। बोल यार बोल। मैं अगर कहूं कि आज लंगर में कोफ्ते बने हैं, कबाब बना है,
पुलाव बना है, खीर पकी है, पटल भाजा, मचर झोल। अबे माथार झोल क्या, इतना भी नहीं जानते? मछली का शोरबा, मछली अलग पानी अलग। लौटा लता है क्या जनाब, दरख्तों पर चढ़ी जा रही है। चला जाए। हाँ? तुम भी अजीब लड़की हो, कल जब मैंने इतनी मर्तबा कहा कि चलो घूमने चलें, तो तुमने इनकार कर दिया, और आज कहती हो चलिए पिताजी घूमने चलें। अजीब शौक है तुम्हारा। चलिए ना पिताजी। अच्छा बेटी, अच्छा चलो चलो, अच्छा ही हुआ, चलते वक्त विजय भैया से भी मिल लेंगे, पूछ लेंगे कुमार की कोई चिट्ठी आई है या नहीं। वो सब बाद में पूछ लीजिएगा, कल ही तो चाचा जी कह रहे थे कि चिट्ठी आई है। अच्छी बात है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। राइफल पेश। कुमार, आज शाम को तुमको मिठाई खिला था। क्यों? क्यों क्यों कह दिया, अब तो तुम सेकंड लेफ्टिनेंट जो बन चुके हो। ओ, अच्छा देखा जाएगा। चलिए पिताजी अंदर चलकर बैठिए। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी माँ ने कुछ मिठाई भेजी है, सबके सामने मत खोलना, ज्यादा नहीं। माताजी अच्छी तो हैं? अच्छी तो हैं, लेकिन वो शिकायत करती हैं कि तुम कुछ चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखते। क्या कहूँ पिताजी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जी बेटा, दो चार हरफ तो लिख दिया करते। अच्छी बात है, कोशिश करूंगा। आप क्या आज ही वापस जा रहे हैं? हाँ, जाते वक्त मिलता जाऊंगा। अच्छा, अरे तो क्यों गया, नहाने नहीं चलेगा? नहीं नहीं, हम नहीं नहाएगा, तू जा तू जा। कौन है? आमी। आमी? ओ, क्या हुआ? बुखार। बुखार? नहीं देता है, कितने मजे की है।
और खाने को जी चाहता। ये क्या हुआ, मेरी मिठाई पत्थर कैसे हो गई? ए चोरे, क्या हुआ, रोता काहे को? इस हाड़ी में मिठाई थी, न जाने कौन खा गया और पत्थर भर गया। ओ यही व्यापार, तो मिठाई कौन भेजा था? भेजी थी माँ ने, माँ की भेजी हुई मिठाई एक भी तो खाने को नहीं मिली। आए खबरदार, झूठ मत बोलो, तुम एक तो खाया ना? ओ तो ये तुम्हारी शरारत है, लो लो ये भी। सुनो, तुम सबको दो दिन की छुट्टी दी जाती है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो अपने घरों को जा सकते हैं। मैंने कहा कि बड़े खुश नजर आते हो, क्यों रश्क होता? हाय हमारे रश्क की एक ही कही, कलेजा मुंह को आ जाता है जिस दम याद करते। मैं क्यों ना खुश हूँ, मैं क्यों ना गाऊँ? क्यों ना आए गीत खुशी के गाए, ओ क्यों ना आए गीत खुशी के गाए, हर जरे में नई खुशी है, हर सो मौज बहार, हर सो मौज बहार। हाय और इधर हम वो दयालु हैं जहां आई नहीं बहार, दिल में हमारे रहता है हर वक्त इंतजार, किसे किसे दर्द के गीत सुनाए, गीत सुनाए, क्यों ना गीत खुशी के गाए, क्यों ना गीत खुशी के। ओ एमन एकजन तो आछे गो, एकजन तो आछे आमार कथा भाबे, एकजन तो आछे गो, एकजन तो आछे खुशीते ताई, खुशीते ताई बुकटाय आमार, खुशीते ताई बुकटाय आमार, एखन थेकेई नाचे गो, एखन थेकेई नाचे। দুটি দিনের ছুটির ফাঁকে দেখতে পাবো আজকে তাকে, আমি গান শোনাবো, আমি গান শোনাবো আদর করে, বসিয়ে আমার কাছে গো, বসিয়ে আমার কাছে। আনন্দ মে পরমানন্দ, आनंद में परमानंद में इड़ मोरे दिन में, आनंद में इड़ दले पोर नीरने ताजी, नीरने ताजी बेटिये मुरक नीरे इड़ मुनरे, अंब मकलयों आज मन भीये इन्दान उल्लं तुडिकु मिल्ब, परमानंद में परमानंद में। अबे तेरा कौन मर गया जो तू पड़ा पड़ा रो रहा है? अरे भाई प्रेम, रोना तो इसी बात का है कि कोई मरने वाला नहीं, लोग दो रोज की छुट्टी जा रहे हैं, किसी के वायदे पूरे होंगे, किसी की घरवाली लंबा घूंघट लगा परौठे लेकर आएगी और कहेगी प्राणनाथ भोजन कर लो, और अपना रन्ना वाले आंदे पकण परौठे, ओ छड़े आंदी आग ना बले छई, भाई याद सतावे मैनू तेरी पंज दरिया दे नीर, ओए मारी ना मारी नी तारो दो नैना दे तीर, नी तारो दो नैना दे तीर, ओए जल कूके तू कोयल वांगू,
करिए। जय जय भाई, चलो दादा जी। जय जय। कौन कुमार? वाह, इस लिबास में तो तुम कितने भले भाले होते हो। बेटा, मैं आज खुशी से फूला नहीं समाता कि मेरा बेटा आजाद इन फौज का सिपाही है। ट्रेनिंग खत्म हो गई? जी हाँ। कितने दिनों की छुट्टी मिली है? छुट्टी नहीं पिताजी, आप सबसे मिलने आया। मालूम होता है अब हमें लड़ाई पर जाना पड़ेगा। ओह, आप जानते हैं पिताजी, नेताजी की तरफ से मुझे स्पेशल अवार्ड मिला है। क्या सच? शाबाश बेटे। अच्छा अच्छा, मैं एक जरूरी काल पर जा रहा हूँ, आध घंटे में अभी वापस आऊंगा। तुम्हारी सब बातें आकर सुनता हूँ, जा अंदर जा। रामू कुमार का सामान अंदर ले जा। नहीं दीजिए, मैं खुद ही ले जाता हूँ। लता, हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी। जानती हूँ। क्या ये भी जानती हो कि मुझे नेताजी की तरफ से स्पेशल अवार्ड मिला है? सुन चुकी हूँ। तुम्हें खुशी नहीं हुई लता? हाँ। बस एक जरा सी। हाँ, तुम्हारे मुंह से तो बहुत कुछ सुनने की आशा की थी लता। कुमार, क्या तुम्हें रंगून जाते ही लड़ाई पर जाना पड़ेगा? हाँ, हम सब उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। जानती हो लता, जब मैं नेताजी के मुंह से ये सुनता हूँ कि अब हम किसी के गुलाम नहीं बल्कि स्वाधीन भारत के बहादुर सिपाही, तब खुशी और फख्र से मेरी छाती फूल उठती। नेताजी कहते हैं कि इस लड़ाई में हमारी जीत जरूर होगी। कैंप में लेटे लेटे कितनी ही बड़ी बड़ी रातें मैंने इसी सोच में बिता दी कि वो दिन कब आएगा, कब आएगा वो दिन। और कुछ नहीं सोचा तुमने? सोचा है लता, तुम मुझे हमेशा याद आती। जब मैं लड़ाई जीत कर आऊंगा, सबसे पहले तुम ही तो मुझे विजयमाला पहनाओगी। कुमार, मुझे तो यही चिंता खाई जाती है कि इस जीत की खुशी में ये छोटी सी लता तुम्हारे मन से न उतर जाए। मन को मजबूत करो लता। कैसे मजबूत करूं? तुम ही बताओ। फर्ज करो, ये फ्रेम है तुम्हारा मन और ये है मेरा मन। ये तुम मेरे मन में आ गए। लेकिन मेरा मन तो सूना हो गया। अरे, सूना रहने क्यों दूंगा? ये लो, मैं तुम्हारे मन में आ गई। अरे पिताजी के आने का वक्त हो गया, अब मैं चलूं। शाम को 7 बजे फिर आऊंगा। उदास खड़ी हो लता, उम्मीद रखो, उम्मीद पर ही दुनिया कायम। उम्मीद का क्या भरोसा, एक तार जाने कब टूट जाए। किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। किस्मत? किस्मत कमजोर दिलों को तसल्ली देने का एक बहाना है। लता, हौसले और हिम्मत से काम। जीवन की नैया के खेवनहार बने और नैया मझधार में छोड़कर कहते हो कि समझो हम दरिया में गिर पड़े, और तुम कहते हो कि दामन भी ना भीगे। लता, वो भी तो हिंदुस्तानी औरतें थी जिन्होंने सुहाग रात में अपने सुहाग मैदान जंग में भेज दी। वो भी तो हिंदुस्तानी माताएं थी जिन्होंने हंसते हंसते अपने जिगर के टुकड़ों को देश पर बलिदान कर दिया। तो क्या उनकी मोहब्बत मोहब्बत न थी? मुझे खुशी खुशी विदा करो लता। ये मुझसे नहीं होगा। लता, तो क्या आंसुओं का उपहार देकर ही मुझे विदा करोगे? मुझे डर है कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे कदम डगमगा न जाए। हाँ, बहुत दिनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। मैं इस वक्त नहीं गा सकती कुमार। मुंह से ये विरह का गीत नहीं सुनना चाहता। मुझे आज खुशी का गीत सुनाकर हंसते हंसते विदा करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तो मैं ही गाता हूं।
हम चले नए दुनिया रचने, हम चले नया इतिहास लिए। हम चले नए दुनिया रचने, हम चले नया इतिहास लिए। ओ रात अंधेरी बरखा की, ओले बरसे चमके बिजली। ओ रात अंधेरी बरखा की, ओले बरसे चमके बिजली। पर ठान लिया जब मन में तो हम जान पे अपनी खेल चले। भगवान तुम्हारा भला करे। हम चले नए दुनिया रचने, हम चले नया इतिहास लिए। हम चले नए दुनिया रचने, हम चले नया इतिहास लिए। सूरज पश्चिम में उग जाए, चांद सितारे मिट जाए। सूरज पश्चिम में उग जाए, या चांद सितारे मिट जाए। मैं आशा दीप जलाए तेरी राहत को तो वाल मिले। मैं आशा दीप जलाए तेरी जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे तब हम तुम मिल कर लो प्रेम मिलन के दिन आए। हम चले, हम चले, चले। अच्छा लता, अब मैं चलता हूँ। सुबह होते चले जाओगे? हाँ, कल सुबह 5 बजे मेरा ट्रक आ रहा है। तो फिर रात का खाना ही खाकर जाना? नहीं, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? क्या बताऊं पिताजी, एक दफा ऐसा हुआ जबकि नेताजी मार्च पास की सलामी ले रहे थे, ठीक उसी वक्त दुश्मन के हवाई जहाजों ने हमला कर दिया। वहां पर जितने अफसर खड़े थे सब ने नेताजी को शेल्टर में चलने के लिए कहा, लेकिन नेताजी ने कहा जब तक मेरा एक भी जवान यहां खड़ा है उस वक्त तक मैं शेल्टर में नहीं जाऊंगा। किसी को मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। बर्तानिया के जंगी कारखानों में अभी तक वो गोली तैयार ही नहीं हुई जो सुभाष बोस को मार सके। ठीक कहते हो बेटा, हमें एक ऐसे ही बहादुर सेनापति की जरूरत थी। अच्छा, रात ज्यादा हो गई, चलो। ओ, बिस्तर लगा दिया, अब सो जाओ, कल तुम्हें सवेरे उठना होगा। सो जाओ जी।
कुमार उठो बेटा, 5 बज गए, उठो। अभी तैयार हो लेता हूँ पिताजी। मैं तैयार हूँ पिताजी। ओह, आज मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा बेटा, बताओ तो क्या? तोहफा? क्या घड़ी? नहीं बता सके ना? तो फिर अंगूठ? नहीं, ये भी नहीं। अच्छा ठहरो। बेटा यही वो तोहफा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने ये तलवार 1857 की जंग आजादी में उठाई। मैं जानता था वो दिन जरूर आएगा जब हिंदुस्तानी जनता अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए जंग करेगी, उस वक्त इस तलवार की जरूरत पड़ेगी, और आज वो वक्त आ पहुंचा है। मैं अपने बेटे को खुद अपने हाथों तलवार बांधूंगा, क्यों कर बांधते मैं ये भी तो भूल गया हूं। ओह, इस तरह आज तुम्हारी माँ होती तो जरूर मुझसे झगड़ा करती, कहती तलवार मैं बांधूंगी, यह हक मेरा है। कितना मजा आता उस वक्त। क्या हुआ कुमार? जी कुछ नहीं, मैं अपनी टोपी भूल आया। तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो पिताजी। समझ गया, माँ का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखें डबडबा आईं। कभी कभी बहादुरों की आंखों में भी आंसू देखे जाते हैं, लेकिन कुमार तुम तो माँ की पुकार सुनकर इस भूमि में जा रहे हो बेटा। जननी और जन्मभूमि दोनों ही तो माए हैं। पिताजी आंसू पोछ डालो कुमार, आंसू भरी आंखें देखकर मैं तुम्हें युद्ध भूमि में नहीं जाने दूंगा। तुम तो मेरा नाम रोशन करने वाले सबूत बेटे हो। तुम्हें आज मैदान जंग में भेजकर मैंने जो सर ऊंचा किया है वो नीचा न होने पाए। उससे पहले मेरा सर जमीन पर होगा पिताजी। देश के लिए जान दे दूंगा मगर पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश मेरे बाद। शायद मेरा ट्रक आ गया। चलो पिताजी। कुमार बेटा, कुमार बेटा, कुमार निकाल। आज नहीं कल। कब आए? अभी अभी। ओह जब ही तो, मैंने भी कहा इतना गोलमाल क्यों हो रहा है। भाई अच्छे वक्त पर आए, कल हमारे यहाँ गेस्ट नाइट है, नेताजी भी आने वाले। अच्छा? हाँ, बहुत अच्छी अच्छी आइटम रखी गई है विमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, एक डांस ड्रामा भी होगा। अरे तुम अभी तक रेडियो सुन रहे हो, वहाँ घंटी भी हो गई। सचमुच? चलो 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 चलो। साथियों,
मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि नेताजी एक जरूरी काम की वजह से नहीं आ सके। उन्होंने जो संदेशा भेजा है वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आजाद हिंद फौज के बहादुर अफसरों और जवानों, आज रात तुम्हारे इस जलसे में शामिल होकर मुझे भी खुशी होती, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए सोनान जा रहा हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। जय हिंद। आप लोग शुरू कीजिए। अच्छा। अब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। ऐसे ही समय उस देश पर हमला हुआ, हो गए खामोश, दोनों का कलेजा हिल गया। क्या हुआ? बोलो कुमार, ये क्या हुआ? हाय, हमारे शत्रुओं ने इस समय हमला किया। प्रिय तमिल, छोड़ो, हटाओ हो चुका जो कुछ हुआ, आओ देखो चांदनी में प्रेम का छाया। ना कुमार, अब प्रेम को दिल से भुलाना कर्म है, देश की रक्षा ही पहले राजपूत धर्म है। फिर बड़े वो राज दुलारी, फिर बड़े वो राज दुलारी, आई ने हथियार सब, आई ने हथियार सब, हाथ में प्रीतम के अपने सौंप दी तलवार। जब कर उसने कमर से फिर कटारी खींच ली, आए चीर कर उंगली लहू माथे पे उसके छाप दी। हाय हंसा रहा, हाय हंसा रहा, हाय हंसा।
आजाद हिंद रेडियो से बोल रहे हैं, हम आजाद हिंद रेडियो से बोल रहे हैं। आपकी हुकूमत आजाद हिंद आज बरतानिया और अमरीका के खिलाफ फैलाने जंग करती है। आपकी हुकूमत आजाद हिंद आज बरतानिया और अमरीका के खिलाफ फैलाने जंग करती है। तेजी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। जंगल, पहाड़, नदी, हर रुकावट को पीछे धकेलती हुई तूफान की तरह आगे बढ़ती चली। डॉक्टरों की जो बेस हॉस्पिटल में रोगियों और जख्मियों की सेवा कर सके। मार की चिट्ठी है। बैठो बैठो बैठो। कहो भाई, मेरा कुमार कैसा है? मजे में तो है ना? कुमार की चिट्ठी नहीं भैया, मेरी बात तो सुनो। तुम सबसे ये बात मैंने इतने दिनों नहीं कही। मैंने आजाद हिंद सरकार को अपनी खिदमात पेश की थी और उनका जवाब आ गया है। आज ही शाम को मुझे रंगून जाना पड़ेगा। ये क्या, तुम बाप बेटा दोनों हमें छोड़कर रहे हो? मुझे इसी बात का डर था। बूढ़ा हो गया हूँ भैया, सोचता हूँ मरने से पहले अगर देश की कुछ सेवा कर सकूं। हाँ, अगर देश सेवा के लिए जा रहे हो तो जरूर जाओ भैया। अच्छा, तो सामान वगैरह तो ठीक कर लिया ना? सामान ही क्या है, ठीक कर लूंगा। अजी वाह, तुम सामान क्या ठीक करोगे? सुनता हूँ कि आजकल तो चाय की प्याली पड़ी रह जाती हो, तुम पीना भूल जाते हो। जाओ तो बेटी, जरा चाचा जी का सामान तो ठीक कर दो। अच्छा, अब देर ना करो, चलता हूँ। जाने से पहले मुलाकात तो जरूर होगी। जरूर, जाओ बेटी। चाचा जी, आपकी स्टेटिस को बाहर ही रहने दें या सूटकेस में रख दें? ओह, बाहर ही रहने दो बेटी। तुम्हारा काम खत्म हुआ? जी हाँ, हो गया। ओह, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी बेटी? ये बात आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मैं बाप का दिल रखता हूँ और जब तुम्हें उदास देखता हूँ तो ये महसूस होता है कि इसके लिए बहुत हद तक मैं ही जिम्मेदार हूँ। ऐसा ना कहिए चाचा जी, मैं भी तो उसी हिंदुस्तान की बेटी हूँ जिसकी बहु बेटियों ने देश की मान मर्यादा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां की है। तो क्या मैं अपने होने वाले कुल की लक्ष्मी से मैं ऐसे ही जवाब की आशा रखता था? सचमुच बेटी, देश को इस वक्त बहुत बड़ी आफत का सामना करना पड़ रहा है, वरना अब तक तो तुम मेरे घर की बहू बन चुकी हो। बेटी, कुछ दिनों के बाद ये मकान तुम्हारे ही हाथों आने वाला था और आज भी ये मकान तुम्हारा ही है। मैं इस मकान को आज तुम्हारे हवाले किए देता हूँ। ये मकान, इसकी हर चीज तुम्हारी है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि नेताजी की वो बात पूरी हो जाती। करो सब निछावर, बनो सब फकीर। मैं चाहता था कि इस मकान को आजाद हिंद सरकार के हवाले कर देता, लेकिन अब तुम्हारी मर्जी है। ओह, मेरी गाड़ी आ गई, अब मैं तुम्हारे पिताजी से न मिल सकूंगा।
ये मकान की कागजा और ये चिट्ठी मुझे दे देना। भाई वाह, ये खूब रही। अब ये भी ठान लिया कि मकान सरकार के हवाले कर दिया जाए। वाह वाह री देशभक्ति, पहले तो बात पक्की की और अब ये किया। खैर, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैंने फैसला कर लिया कि मकान को आजाद हिंद गवर्नमेंट के हवाले कर दूंगी। अच्छी बात है, तुम जो चाहे कर सकती हो, लेकिन मैं ये शादी यहाँ हरगिज ना होने दूंगा। पिताजी, आपने जो वादा किया है। अरे भाई, जब दूसरे अपने वादों पर पाबंद नहीं रहते तो मैं ही इस सुनहरी जाल में क्यों जकड़ा रहने लगा। पिताजी, हम हिंदुस्तानी अपना सब कुछ खो बैठे हैं, मगर फिर भी भारतवर्ष की लड़कियां दुनिया की औरतों के सामने अब भी अपने सर ऊंचा किए हुई है। वो जब एक मर्तबा किसी को अपना पति मान लेती है तो उसी के साथ जिंदगी गुजरना अपना सबसे बड़ा फर्ज समझती है। इंजेक्शन दे दिया। एक मामूली से जख्म की वजह से रो रहे हो। तुम तो आजाद हिंद फौज के सिपाही हो, तुम्हें फ्रंट लाइन पर लड़ना होगा, हिंदुस्तान आजाद कराना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो मैं रो रहा हूँ अपनी बदकिस्मती पर कि मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरे साथी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। मैं चारपाई पर एड़िया रगड़ने से नहीं मना चाहता। घबराओ नहीं जवान, घबराओ नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं फौरन अच्छा हो जाऊँ। तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। सर साहब, मैं अच्छा हो जाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर। कर्नल गुप्ता ने आपको याद किया। ओ, अच्छा, मैं भी जाता हूँ। नेताजी कल सर्जिकल वार्ड का इंस्पेक्शन करने के बाद आपके काम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मेरी खुशनसीबी। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी फौजें इतमा को फतह करके काफी आगे बढ़ गई है। वहाँ एक एडवांस हॉस्पिटल बनाने की सख्त जरूरत। उसी अस्पताल का चार्ज लेने के लिए आप ही जैसे एक ऊंचे दर्जे की डॉक्टर की जरूरत है। आप अगर मैं तैयार हुक्म मिलते ही रवाना हो जाऊंगा। आपसे मुझे यही उम्मीद। कल ही आपको जाना होगा। सेक्शन ठीक से पहुंच गए? जी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी नहीं। ठीक है, दूसरे हुक्म तक जवान सामने के जंगल में आराम करे, लेकिन ख्याल रहे हवाई हमले का डर है। बहुत हो। जय जय। जय जय। पार्टी सदस्य कुल। Thank you.
अरे वाह, आज मच्छी मिली है। वाकई बहुत दिनों से तो देखने को भी नसीब नहीं हुई थी। सभी जवानों ने खाई है ना? जी नहीं, बहुत कम हाथ लगी है। आप ही लोगों के लिए लाया हूँ। और सबने क्या खाया है? सिर्फ नमक और चावल।
ले जाओ ये खाना वाना हमारे सामने से उठाकर। ये बात तुम्हारे दिमाग में पैदा कब से हुई? जो हमारे जवानों ने खाया वही हम भी खाएंगे। बहुत खूब। और देखो आइंदा ऐसी गलती कभी ना होने पाए। जाओ। बहुत अच्छा। और हाँ थोड़ा नमक दे जाना। जी। कुमार आज तुम्हें पेट्रोलिंग पे जाना होगा। जी बहुत अच्छा। देखो इस वक्त ये है हमारी पोजीशन। हम यहाँ हैं। जी। यहाँ से तुम्हें इस इलाके की पेट्रोलिंग करनी होगी। लेकिन ख्याल रखें यहाँ से दुश्मन का इलाका शुरू हो जाता है। हर कदम तुम्हें फूंक फूंक कर रखना होगा। मैं आगे चला जाऊंगा। लेफ्टिनेंट गांगुली अपनी टुकड़ी को लेके यहाँ से 10 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे। तुम इन्हें वहीं मिलोगे। ठीक ठीक बोलो तुम्हारा साथ कितना आदमी था? क्या नाम है तुम्हारा? कौन यूनिट? अरे जवान बोलो क्या नाम है? कौन यूनिट? तुम्हारा हेडक्वार्टर्स किधर? Hey, sir, okay. Speak it out. Hey, Bolo. Not bad. You swine. Kumar. नहीं बोलेगा. नहीं बोलेगा. Bolo, phone unit. कितना आदमी था? अच्छा ये नहीं बोलेगा मत बोलो। तुम्हारा सुभाष बोस किधर है? नेताजी कहो। कॉल हिम नेताजी। अच्छा तुम्हारा नेताजी किधर है? हमारे नेताजी। हाँ हाँ किधर है तुम्हारे नेता? इधर है हमारे नेताजी। ओ
तक आओ मैं नैना ना नीर बहाऊं बातें भूल गए तुम चांदनी रातें सर की बातें भूल गए तुम प्रेम के वादे मैं रहूं पछताऊं नैना ना नीर बहाऊं प्यार न भाया तोड़ गए दिल तरस न आया इस दुखी याद की फरियादें कैसे तुम्हें सुनाऊं नैना ना नीर साहब आया अगर किसी तस्वीर का शीशा टूट जाए तो क्या कोई बदशगुनी होती है क्या मालूम मिस साहब लेकिन आजकल आपको हो क्या गए चार बज गए और अभी तक आपने साहब को फलों पर रस नहीं दिया ऐसी भूल तो आज से कभी हुई नहीं पिताजी जाग के जी हाँ आपको याद कर रही है ओह अच्छा मैं अभी जाती मैं और ला देती हूँ नहीं बेटी और जरूरत नहीं तुम मेरे पास बैठो तुम्हें क्या हो गया है बेटी मैं कई दिनों से देखता हूँ तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो होठों पर हंसी तक नहीं आया कह रही थी तुम खाना तक ठीक से नहीं खाती क्या बात है बेटी मुझे बताओ समझ गया बेटी मैंने ही तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ मगर फिर किया ही किया जाए हाँ बेटी बल्कि तुम रंगून चली जाओ हाँ सुना है विजय आजकल वहाँ नहीं फिर भी उनके मामा मिस्टर आर्यन सिंह कुमार के मामा वो तो वहाँ है और कुमार की चिट्ठियाँ उनके पास जरूर आती होंगी से पूछताछ कर लेना बेटी मैं खुद ही चला जाता मगर क्या करूं तबीयत ठीक नहीं रहती बेटी मजबूर हूं तुम कल ही चली जाओ बेटी मिस्टर आरी सिंह ना मैंने गला आरान सिंह जी ना मैंने बाबू सेम लिस ऑफिस में तो आप भी मैं बात ओके छे माता हूँ बाबू क्या प्रभा देवी यही रहती थी अरे कौन लता प्रभा मैं तो इस लिबास में तुम्हें पहचाने ना सकी मेरा ये पता मालूम कैसे हुआ पुराने मकान में देखी अच्छा कहो सब मजे में तो हाँ कुमार साहब के पत्र मिलते हैं ना नहीं भाई इसीलिए तो आई थी आज एक महीने से उनकी कोई चिट्ठी नहीं सामान वगैरह कहाँ है बेचिंग रूम में अरे वाह तुम तो बिल्कुल पहले के जैसे ही निकली ठहरो मैं ये कपड़े बदल कर तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँ तुम जरा बैठो सुबह से तो कुछ खाया नहीं होगा लो खाओ आज भी भाई ये उबले हुए घास पत्ते खा के ही रहना होगा दूध गुलामी की मक्खन और रोटी से आजादी की ये घास ज्यादा बेहतर है नहीं भाई आज कुछ खाने को जी ही नहीं चाहता बस सिर्फ चाय पीऊंगी क्यों वह क्या कुछ नहीं वैसे ही कुमार की खबर मिलते ही मैं चली जाऊंगी पिताजी घर पर अकेले हैं और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं आई हो तो एक आध दिन रुक ही जाओ
परसों नेताजी का जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम होगी। आजादी की जंग के लिए खुद हमें उसकी जरूरत है। जंग में जो लाखों रुपए खर्च होंगे उनमें से एक पाई भी नेताजी किसी विदेशी से नहीं लेंगे। खर्च का ये भारी बोझ खुद हमें ही उठाना होगा। हमारे बाप बेटे मित्र पति सब के सब जंग में अपनी कीमती जानें कुर्बान कर रहे हैं। इस वक्त हमारा फर्ज है कि हर तरह के आराम को त्याग कर यथाशक्ति देश की सहायता करें। आओ बहनों, आज अपने ही लिए हम लोग अपना सब कुछ निछावर कर दें। बहुत खुश थे इस घड़ी को देते वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। क्यों, ये तुम्हें बहुत प्यारी है? ये वक्त ही ऐसा है कि अपनी प्यारी चीजों को कुर्बान किया जाए। अब आग लगी दिल में।
और आँखों में पानी है, अश्कों में छिपे अपनी उल्फत की कहानी है, अश्कों में छिपे अपनी। ये क्या, आज के दिन आंखों में आंसू? मीटिंग में गई थी? हाँ। न जाने आज दिल क्यों बैठा जा रहा है। परेशान क्यों होती हो, कल फिर खोज की जाएगी। मुझे विश्वास है कि लीग ऑफिस वाले मिस्टर आरम्स का पता जरूर दे सकेंगे। क्या खिदमत कर सकता हूँ? चलिए। मिस्टर आरम सिंह एडवोकेट का क्या पता? मिस्टर आरम सिंह एडवोकेट, मिस्टर आरन सिंह रंगून में तो नहीं है, वो इन दिनों इंसीन में। इंसीन? हाँ, मैं इंसीन का पता लिए लेता हूँ। लेकिन इंसीन तो मैं अभी जान ही सकूंगी। शुक्रिया। क्या कोई खास काम था उनसे? जी हाँ, आजाद हिंद फौज में मेरे रिश्तेदार काम करते हैं, बस उन्हीं के बारे में पूछना था। आप सुप्रीम कमांड के ऑफिस में चले जाए, वहाँ से आपको पूरी खबर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय जय। क्या नाम बताया? लेफ्टिनेंट कुमार सिंह। कौन है उन्हें? नंबर वन सुभाष बेगे। तो देखिए, ये सब लड़ाई की बातें हैं, इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकते। अपना पता छोड़ जाइए, खबर मिलने पर भेज दी जाए। जय हिंद। जय हिंद। अभी अभी खबर मिली है कि कलाडान में हमारे बहुत से आदमी मारे गए। अच्छा भाई, तो मैं चली। अच्छा, लेकिन देखो फिर कभी आई तो वेटिंग रूम में न ठहर कर सीधे यहीं चली आना। चलो। शायद कुछ व्यर्थ आ सकती है। चलो अच्छा हुआ, अभी और जख्मी आ रहे हैं। तुम लेफ्टिनेंट जानकी से कह रहा हो तो 3 बेड्स का और इंतजाम रखें। मैं अभी जाती हूँ। यस स्पीकिंग। सॉरी डॉक्टर, यहाँ कोई जगह नहीं, बल्कि आप जनरल वार्ड में देखिए। अच्छा जय हिंद। तुम लौट आई, गाड़ी नहीं मिली? नहीं भाई, रास्ते में एम्बुलेंस गाड़ियों को इस तरफ आते देखकर ख्याल पैदा हुआ, अगर इनमें से कोई कलडन सेक्टर से आया हो तो मुमकिन है उसे कुमार की कोई खबर मिल जाए। इस वार्ड में कलडन सेक्टर से कोई आया है क्या? हाँ बहुत से, बल्कि कुछ लोग तो अभी अभी आए हैं। हेलो, अच्छा मैं अभी आई। मोरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो,
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे फ्रंट से वापस ले आए, मुझे जाने दो, डॉक्टर, डॉक्टर, क्यों मुझे फ्रंट से वापस ले आए? मेरी एक ही टांग तो बेकार हुई, पर मैं दूसरे पांव पर भी लड़ सकता था, मुझे जाने दो डॉक्टर। अच्छे हो जाओ, फिर चले जाना। आ, आ, मुझे जाने दो। आप किस फ्रंट आए हैं? बहन, देखो ये लोग मुझे जाने नहीं देते, तुम जरा डॉक्टर साहब से तो कह दो। आप किस फ्रंट आए? कलेवा। तो आप भी नहीं जानते? बहन, बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा किसी नर्स को पानी देने के लिए कह देंगी? मैं दे देती हूँ। आप किस फ्रंट से आए हैं? कलादान। कलादान? तब तक कुमार के बारे में आप जरूर कुछ जानते होंगे। जी हाँ, अच्छी तरह से, हम दोनों साथ ही साथ थे। वो खैजे से तो हैं। वो आपके कौन होते हैं? जी वैसे तो कोई नहीं, मगर ओ, मैं समझ गया। बतलाइए वो खैजे से तो हैं? बताता हूँ बहन, पानी देना तो तुम भूल ही गई। ओह, ये ले जी। ये एक लंबी कहानी, ये उस वक्त की बात है जब हम लोग हिंद और बर्मा की सरहद के करीब एक छोटे से गांव में पहुंचे। एक रोज गहरी अंधेरी रात में हमारे जवान पूरी तैयारी के साथ अपने कमांडर के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हुक्म मिलते ही गोया एक भूखे शेर की तरह दुश्मन की फौजों पर टूट पड़ेंगे। आज सबके दिलों में गजब का जोश है। जानती हो बहन, वो जोश किस लिए है? इनके सपने आज पूरे होने जा रहे हैं। आज वो आंखों के सामने देख रहे हैं अपनी मादरे वतन को। बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही वो अपनी माँ के कदमों को चूम सकेंगे। उन्हें आज माँ की पुकार साफ साफ सुनाई दे रही है। उधर अफसर लोग बेताब होकर नेताजी का इंतजार कर रहे हैं। बस वो आने ही वाले हैं। उनका हुक्म मिलते ही दुश्मन पर हमला कर दिया जाएगा। ठीक उसी वक्त एक जीप के आने की आवाज सुनाई दी। जय जय। नेताजी ब्रिगेडियर्स कैंप में आप सबका इंतजार कर रहे हैं और आप सबसे मिलने के बाद वो जूनियर ऑफिसर और चंद एक जवानों से मिलना चाहते हैं। कैप्टन फिरोज, आप उन सबको इतला कीजिए। जय हिंद। जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन आज आ पहुंचा है। 1857 की जंगे आजादी के बाद आज हमें फिर मौका मिला है कि हम अपने देश को हथियारों के जरिए आजाद कराएं। आप लोग तैयार रहें, ठीक 4 बजे। मेरे बहादुरों, आज जिस जगह पर हम हैं यहां से एक कदम बढ़ाते ही हम अपनी मातृभूमि पर पहुंच जाएंगे और उसी वक्त से हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू होगी। मैं जानता हूं कि आज तक किसी भी मोर्चे पर तुम्हारी शिकस्त नहीं हुई, फिर भी मैं तुमसे ये कह देना चाहता हूं कि जब आजाद हिंद फौज चलेगी तो एक स्टीम रोलर की तरह दुश्मन का कंकर और पत्थर समझकर पीसती हुई। लेफ्टिनेंट कुमार, दिलितमा के मोर्चे पर बहादुरी दिखाने के सिलसिले में आजाद हिंद सरकार तुम्हें बीरे हिंद तमगा अता करती है। साथियों, तुम ही मेरे बाजुओं की ताकत हो। तुमने अपने वतन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं, लेकिन तुम्हारी उन तमाम कुर्बानियों का बदला चुकाने के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, और अगर दे सकता हूं तो सिर्फ भूख, प्यास, तकलीफ, मुसीबत और आखिर में मौत। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में मुझे सिर्फ तुम्हारी कुव्वत बाजू का भरोसा का है। इस जंग में हमारी फतह जरूर होगी और इस सिलसिले में तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है कि तुम हिंदुस्तान की हर एक औरत को
अपने माँ बहन और बेटी समझो। जो कोई इस हुक्म के खिलाफ आवाज़ करे, वो चाहे बड़े से बड़ा अफसर भी क्यों ना हो, तुम में से हर एक को हक होगा कि उसे गोली का निशाना बना दे। जय हिंद। जय हिंद। टाइम पेट्रोल वापस आया? अभी तक तो नहीं। वक्त तो हो चुका है। अच्छा दो। रुक जा। जाहिन, क्या खबर? दुश्मन जवाबी हमले की तैयारियां कर रहा है और इस मोर्चे पर बड़ी बड़ी तोपें, टैंक, मार्टर। खामोश, मैं ये बुजदिली की बातें नहीं सुनना चाहता। क्या तुमने नहीं सुना, नेताजी ने कहा था कि आजाद हिंद फौज जब आगे बढ़ेगी तो एक स्टीम रोलर की तरह दुश्मन को कंकर और पत्थर समझकर पीसती थी। जाओ। जय हिंद। जय हिंद कुमार। अब और वक्त नहीं, तुम अपने मोर्चे पर जाओ। याद रखना, ठीक 4 बजे। जय जय हिंद। सामने पहाड़ देख रहे हो कि झंडा उस पर लगाना ही होगा। आज सुबह जब सूरज निकले उसको सूरज के लिए सबसे पहले इसी झंडे का स्वागत करा। आगे बढ़ो बढ़ो कुमार, तुम जल्दी तक पहुंचाओ। चैन की बरखा पर से
भारत भाग है ज्यादा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जल्दी करो, इसे उठाओ। नहीं, मुझे यहां से ना हटाइए, मुझे यही मरने दीजिए। ये आजाद हिंदुस्तान की सरजमीन, मैं इसी सरजमीन पर मरना चाहता। मालूम होता है बेहोश हो गया है, इसे फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जैसे भी हो इसे बचाना ही होगा। जल्दी डॉक्टर, इसकी हालत नाजुक है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, इसे बचाना ही होगा। यही तो वो नौजवान है जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले तिरंगा झंडा लगाया। कुमार, कुमार मेरा बच्चा। हाँ डॉक्टर साहब, आपका बच्चा, उसे फौरन की। तुम भी तो मेरे बच्चे हो डॉक्टर। जल्दी बैठे, तुम उसे देखो। डॉक्टर, 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 आप उसे जल्दी देखिए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, ये तो देश के लिए जान दे दूंगा, मगर पीछे नहीं हट। शाबाश बेटे, जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। बड़े भगवान हो बेटा, अच्छे दिन स्वर्ग सिखा दो। आज नेताजी का जन्मदिन है। सुना बेटा, आज नेताजी का जन्मदिन है। रंगून के रहने वाले आज उन्हें सोने से तोड़ेंगे। रंगून के रहने वाले आज तुम्हें सोने से तोलेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो यही एक अनमोल हीरा। मैं आज ये अनमोल हीरा तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूं। डॉक्टर साहब, और भी जख्मी आए। और इसके बाद मैं इस अस्पताल में लाया गया। बहन,
से पहले मैं भी तो हो गई। मेरा सुहाग लूट गया। मेरे हाथ में मेहंदी भी नहीं लगी, मैं दुल्हन भी लौट सकी और मैं दे दो आजादी की राह पर क्या तुम कुछ भी कुर्बानी नहीं कर सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ मगर अपने सुहाग के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो तुम क्या ये समझती हो कि ऐसा करने से तुम कुमार के करीब पहुँच जाओगी? नहीं, बहुत दूर हो जाओगी। ऐसा करने से कुमार की रूह को चैन नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कुमार की आत्मा को तो शांति तभी मिलेगी कि जब उसके अधूरे पड़े हुए काम को तुम पूरा करोगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कुमार ने आज वो काम किया है जिससे हिंदुस्तान के इतिहास में उसका नाम सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। उसने तो तुम्हारे माथे पर न मिटने वाला इज्जत का अमर तिलक लगा दिया और तुम भैया बहन, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो हिंदुस्तानी औरतों का सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। उनके नाम पर पट्टा न लगाओ। चलो नेताजी से माफी मांगो, माफी मांगो नेताजी से। नेताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हुई। बहन अब वादा करो, वादा करो कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करो। वादा करो। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। हम चले नए दुनिया रचने, हम चले नया इतिहास लिए। वो रात अंधेरी बरखा की ओढ़े भर से चमके बिजली पर ठान लिया जब मन में तो हम जान पे अपनी खेल चले।